और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष का कोई अंत नजर नहीं आ रहा है भाई। मीडिया खबरों के मुताबिक रूस से लड़ने के लिए अमेरिका ठीक से यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई नहीं कर पा रहा है। इसका खुलासा वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में हुआ है। इसमें बताया गया है कि पिछले कुछ समय से अमेरिकी कंपनियां यूक्रेन की मांग के मुताबिक रॉकेट मोटर नहीं बना पा रही है, इससे सप्लाई चेन में दिक्कत आ रही है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी एक हफ्ते में दूसरी बार राज्य के दौरे कर रहे हैं। रविवार को हुबली में समाज सुधारक बसवन्ना की जयंती समारोह में हिस्सा लिया। इसके बाद सगमनाथ मंदिर और एकलिंग मंदिर में पूजा की। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली में जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना दूसरे दिन सोमवार को भी जारी है। सभी ने रविवार को पूरी रात सड़क पर गुजारी, वे वहीं सो गए। देर रात विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक ने एक वीडियो भी जारी किया। उन्होंने लोगों से समर्थन के लिए जंतर मंतर पहुंचने की अपील की। भारत में कोरोना वायरस महामारी के मामले में तेजी दर्ज की जा रही है। नए केस 10,000 के आसपास आ रहे हैं। देश में बीते 24 घंटे में 10,112 लोगों की कोरोना वायरस रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं 9,833 मरीज रिकवर हुए हैं। इस दौरान 6 व्यक्तियों की मौत हुई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 68,65,00,000 हो गए हैं। इस महामारी से अब तक कुल 68,00,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 12.99 अरब से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। ये आंकड़े जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने साझा किए हैं। अफ्रीकी देश सूडान में लड़ाई के बीच इंटरनेट बंद कर दिया गया है। 72 घंटे की सीज फायर के बावजूद दोनों तरफ से हमले जारी हैं। इन सब के बीच वहां फंसे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। सऊदी अरब ने शनिवार देर रात सूडान में फंसे 158 लोगों को सुरक्षित निकाला, इसमें कई भारतीय भी शामिल हैं। न्यूजीलैंड के उत्तर पूर्व में केरमाडेक आइलैंड में सोमवार को 7.3 तीव्रता का भूकंप आया। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे ने इसकी जानकारी दी। भूकंप का केंद्र जमीन से नीचे 10 किलोमीटर की गहराई में था। भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी नहीं की गई। इंडियन प्रीमियर लीग में आज पॉइंट टेबल के बॉटम में मौजूद दोनों टीमों के बीच मुकाबला खेला जाएगा। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच शाम 7:30 बजे से मैच शुरू होगा। दिल्ली ने जहां अपने पिछले मुकाबले में सीजन की पहली जीत दर्ज की, वहीं हैदराबाद को पिछले 2 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। तेल कंपनियों ने आज सुबह 6 बजे पेट्रोल डीजल के दाम जारी कर दिए हैं। आज लगातार 327वें दिन पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर रखे गए हैं। आखिरी बार 21 मई को केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम करने के फैसले के बाद पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए थे। सरकार ने पेट्रोल पर 8 रुपए और डीजल पर 6 रुपए एक्साइज ड्यूटी कम करके लोगों को बड़ी राहत दी थी। आज यानी हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजार में बढ़त देखने को मिल रही है। सेंसेक्स 218 अंक चढ़कर 59,873 के स्तर पर खुला। वहीं निफ्टी में भी 84 अंकों की बढ़त है, ये 17,707 के स्तर पर ओपन हुआ। शुरुआती कारोबार के दौरान सेंसेक्स के 30 में से 17 शेयरों में तेजी और 13 शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है।